अनाया, मेरा बच्चा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये जोना मुझे बता रही है कि तुमने फिर से फाउंडेशन ज्वाइन करने का सोच लिया है। चीमा, पर क्यों बेटा, क्यों? देखो, मैं मानती हूँ कि हालात तुम्हारे हक में आजकल नहीं है, लेकिन सदा वक्त एक जैसा थोड़ी रहते। एक ना एक दिन तो हालात ठीक हो जाएंगे, और तुम देख लेना, जैसे ही हकीकत का पता चलेगा ना माहिर को, खुद आएगा तुम्हारे पास, माफी मांगेगा तुमसे और मेरी गुड़िया को ले जाएगा अपने घर। खुदा ने औरत को किस मिट्टी का बनाया? उसके पास कोई इख्तियार हो या ना हो, लेकिन माफी मांगने की उम्मीद उसी से रखी जाती है। माँ, क्या एक माफी उन तमाम तर्स गलतियों का अजाला उठ सकती है? नहीं, ठीक है, आप कहती हैं कि एक दिन वो आएंगे आके अपनी हर गलती की माफी मांगे, उस एक दिन के इंतजार में उन बाकी दिनों का क्या? जो मैंने जी सेहत में काटे, तकलीफ में गुजारे, जवाब क्या? मेरे किरदार को चुराहे पे लटका दिया, मेरी इज्जत नफ्स को बेमोल कर दिया, उस जिल्लत का कोई जवाब ही नहीं है। कभी चाहा तो बिना मांगे हर चीज से नवाज दिया, पर कभी इल्तिजा करने पर भी नहीं। माँ, औरत को क्या चाहिए होता है? एक इज्जत। औरत को कुछ मिले ना मिले, उसको इज्जत जरूर मिलनी चाहिए। मां, इज्जत बहुत जरूरी है, और जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उसे उस औरत की मोहब्बत पर कोई हक ही नहीं है। आज इज्जत नहीं है, वहां मोहब्बत ही हो सकती। तुम्हारी हर बात बिल्कुल ठीक है, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रही बेटा। मैं जानती हूँ तुमने बहुत बर्दाश्त, मगर पता भी है बेटा, बर्दाश्त करने का जर्फ अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में सिर्फ औरत को दिया है, क्योंकि क्योंकि वो चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। माहिर को जो कुछ बताया गया है वो हकीकत नहीं, जब उसे हकीकत का पता चलेगा ना मेरा बच्चा, तो इंशाल्लाह वो तुम्हारे पास आएगा, आके तुमसे माफी मांगेगा। एक माँ तो यही चाहती है ना कि उसकी औलाद खुश रहे, नगर में आबाद रहे। तुम तुझे देखती हो तो मेरा दिल बड़ा पड़ता है। जानती हूँ मैं कि तू मेरे सामने कुछ नहीं कहती, बर्दाश्त करती है। इनाया, तुम तो मेरी बड़ी बाहिम्मत बेटी हो ना। बेटा, तुम किसी और की सजा माहिर को ना दो। अरे लाइनी ने किए गए गुनाह की सजा तो अल्लाह भी माफ कर देता है, हम तो फिर नाचीज हैं। जिसकी अपनी जिंदगी सजा के तौर पर कट रही हो ना माँ, उसने क्या ही किसी को सजा देनी। कोई हिसाब नहीं है मेरा उनसे। मैं एक इंसान की खातिर मैंने खुद को इतना बदला, इतनी तकलीफें सही,
जब वो इंसान मुझसे अलग हुआ ना, तब मैं खुद से मिली। मैंने तब जाना कि मैं इधर से कितनी आ ली हूँ। वो इंसान सब देखेगा मुझसे। कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। खाली हो चुकी हूँ माँ के। मेरे अंदर एक वीरानी है जो और ये मुझे कम थी। हर दिन सोचती हूँ कि मेरा क्या कसूर था, क्या मायर के दिल ने एक बार भी गवाही नहीं दी होगी कि मैं बेकसूर हूँ। अच्छा ना बस।